और इसके बाद खबरें विस्तार से। सीएम योगी से मिले सपा के 5 विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे ने की मुलाकात। अभय सिंह, राकेश सिंह ने भी की मुलाकात। विनोद चतुर्वेदी भी सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम योगी से मिले सपा के 5 विधायक। सीएम योगी से मिले समाजवादी पार्टी के 5 विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे ने की मुलाकात। विनोद चतुर्वेदी भी सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अभय सिंह, राकेश सिंह ने भी की मुलाकात। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आसिफ बेग लाइव जुड़ चुके हैं। जी आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने समाजवादी पार्टी के 5 विधायक पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में भगदड़ होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी राज्यसभा चुनाव के दौरान, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया वॉइस ने सबसे पहले जो है 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर प्रमुखता से चलाई थी, और जैसे जैसे तस्वीर राज्यसभा चुनाव की साफ हो रही वैसे वैसे इंडिया वॉइस की खबर पर लगातार मुहर भी लग रही है। और बता दूं कि कल ही इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि राकेश प्रताप सिंह, पल्लवी पटेल, पूजा पाल, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, पल्लवी पटेल समेत विनय चतुर्वेदी समेत जो है 8 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और आज तस्वीरें भी सामने आ गई है, समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात किया, या वही विधायक हैं जो राजा भैया के संपर्क में थे। और इंडिया वॉइस ने यह भी जो है खबर चलाई थी कि राजा भैया के पास मास्टर चाबी है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और वह बीजेपी को वोट कराएंगे कुछ समाजवादी पार्टी के विधायकों की। वहीं दूसरी तरफ महाराजी देवी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, उनके बारे में भी जो है कहा जा रहा था कि वह बीजेपी के लिए वोटिंग करेंगी, क्रॉस वोटिंग करेंगी। तो यह भी अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में यह भी खबर सामने आ जाएगी कि महाराजी देवी ने बीजेपी की तरफ पाला बदल लिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से भागदड़ मची हुई है, एक तरफ जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने विधायकों को वोटिंग कराने की जो है कमान अपने हाथों में लिया था, वहीं दूसरे तरफ बीजेपी के कई चालक के जो है पूरी तरह से लग गए थे अपने 8 प्रत्याशी संजय सेठ को जिताने की पूरी मुहिम चला दिए थे। और तस्वीरें भी लगातार साफ होती चली जा रही हैं, एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो कल अपने विधायकों के साथ जो है डिनर पार्टी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ बीजेपी खेमे में जश्न मना रहे थे। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत कुछ भी बोल देती हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही लगातार, इससे जो है अब शॉकिंग न्यूज समाजवादी पार्टी के सामने आ गई है, और सच्चाई भी करीब करीब सपा सुप्रीमो स्वीकार कर लिए हैं। यही वजह है कि लोक सचेतक मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ माने जाते थे, वह भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ज्वाइनिंग की बात कही जा रही है। और सूत्रों इंडिया वॉइस ने पहले ही जो है खबर चला दी थी कि सूत्रों के हवाले से कि मनोज पांडे जो कि मंत्री पद को लेकर डीलिंग चल रही है, और जल्द ही वह जो है मामले सामने आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की बात करो तो भले ही पल्लवी पटेल को लेकर समाजवादी पार्टी खेमे में या विश्वास था कि वह वोटिंग करेंगे, लेकिन इंडिया वॉइस ने पहले ही खबर चलाया था कि पल्लवी पटेल क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। और सूत्रों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल से पाला बदलने को लेकर नोकझोंक भी हुई। तो कहने का जी मतलब बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट जो है उसकी जीत अब लगभग तय मानी जा सकती है।
निश्चित तौर पर प्रियंका बता दूं कि जिस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है समाजवादी पार्टी के ही विधायक अब एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, सीएम योगी के साथ मुलाकात कर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो अभी पांच ही विधायक के नाम सामने आए हैं जिसमें अभी पल्लवी पटेल, पूजा पाल, महाराजी देवी और मनोज पांडे जैसे लोग, जैसे जो सपा विधायक हैं वह अभी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा सूत्रों का बड़ा दावा किया गया है। फिलहाल मनोज पांडे समेत छः विधायक जो है बीजेपी में पूरी तरह जो है भगवा चोला ओढ़ चुके हैं और यह भी कहा जा रहा है कि यह सभी जो है बीजेपी प्रत्याशी को वोटिंग कर चुके हैं और सूत्रों का यह भी दावा है कि करीब दर्जन भर विधायक, भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, शिवपाल यादव या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव या दावा कर रहे हो कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वोटों की गिनती पर पूरी बातें निर्भर है और यहाँ पर जो है पूरा बाजी बीजेपी ने पलट कर रख दी और जो तीसरा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का उसकी हार भी तय मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो संजय सेठ हैं उनके साथ पूरी बीजेपी खड़ी हो गई और सबसे बड़ा अहम पहलू यह है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी का बड़ा खेमा जी खड़ा हुआ है और फोटो तस्वीरें वायरल कर रहा है, तो यह जो है बड़ी चौंकाने वाली और चिंता की बात है सपा सुप्रीमो अखिलेश जी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जी आसिफ आप बने रहिएगा हमारे साथ, तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के छह विधायकों ने मुलाकात की है, उम्मीद है कि आठवां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का क्रॉस वोटिंग के जरिए जीत मिल सकती है आठवें कैंडिडेट को लेकर। तो लगातार जिस तरह से मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि शॉकिंग न्यूज़ समाजवादी पार्टी के लिए है, सपा सुप्रीमो के लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है, समीकरण बनाने का जो सिलसिला है, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका, बदायूं से सपा विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। बदायूं से सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल, तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बदायूं से सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल, क्रॉस वोटिंग कर भारतीय जनता पार्टी का दिया साथ, आखिरी समय पर समाजवादी पार्टी को मिला बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में लगातार जिस तरह से कैंडिडेट को लेकर जोड़ तोड़ और समीकरण चल रहा था, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को पहले से लखनऊ बुलाया था, लखनऊ में ही टिकाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज चुनाव के समय दल बदल का सिलसिला यहां भी जारी रहा। बदायूं से सपा विधायक ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी, बदायूं से सपा विधायक ने की क्रॉस वोटिंग, सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल, सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं लगातार। जी मोहम्मद आसिफ, जिस बात को लेकर आप अटकलें लगा रहे थे, आशंका जता रहे थे, वो मामला हो गया है, क्रॉस वोटिंग हुई है और बदायूं से जो विधायक हैं बीजेपी का दामन थाम लिया है उन्होंने। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जो तस्वीरें सामने आ रही है इसकी एक तरह से जो है इंडिया वाइज ने पहले ही जो है खबरें चलाकर एक तरह से पुष्टि कर दी थी। अब जो है ये आंकड़ा धीरे धीरे सपा विधायकों के बागी होने का आंकड़ा लगातार जो है बढ़ भी जाएगा, क्योंकि दर्जन भर विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ऐसे में जो है जो तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने भी आ रही, अभी वोटिंग करने का समय भी काफी समय भी बचा हुआ है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दर्जन भर वो जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जो है बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग भी करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का अब भी कहना है कि उनका तीसरा प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सच्चाई है और जो हकीकत है उसे कहीं ना कहीं सपा प्रमुख स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तस्वीरें अब भी आगे भी और भी साफ होगी। और जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि दर्जन भर से अधिक
सपा विधायक जो है बीजेपी के लिए वोटिंग करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका बता दूं कि अब अखिलेश यादव का एक्शन भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने लोक सचेतक मनोज पांडे की जो नेम प्लेट थी उसको हटवा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव को यह लग रहा है जब तक वह कड़ा एक्शन नहीं लेंगे और एक मैसेज नहीं देंगे, उनके विधायक जो है लगातार बीजेपी खेमे में जाते रहेंगे। और सूत्रों का यहाँ भी कहना है कि कुछ विधायक लालच में जा रहे हैं, कुछ विधायक कानूनी दांव पेच से बचने के लिए जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ अन्य लालच में। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के पहले जो भगदड़ मची है, कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। जी, सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बदायूं से सपा विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। बदायूं से सपा विधायक बीजेपी में हुए शामिल, आशुतोष मौर्य ने की क्रॉस वोटिंग। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव से पहले लगातार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें कैंडिडेट के लिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने 3रे कैंडिडेट के लिए जोड़ तोड़ और समीकरण का गेम लंबे समय से लखनऊ में चल रहा था, लेकिन राज्यसभा वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आशुतोष मौर्य ने की क्रॉस वोटिंग, और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लगातार आप अटकलें लगा रहे थे, जानकारी दे रहे थे, और खबरें अभी और भी हैं, आशुतोष मौर्य ने तो क्रॉस वोटिंग कर दी है, अन्य लोग जिनकी गिनती आप कर रहे हैं उनमें से किसी को लेकर नाम अभी तक क्लियर हुआ है? क्या लग रहा है कितनी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से तस्वीरें बदलती जा रही है, इंडिया वॉइस लगातार जो है दावा भी कर रहा है कि इतने इतने विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, और बदायूं विधायक का भी नाम अब सामने आ चुका है, उन्होंने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग भी कर दी है। अब कुल मिलाकर जो है विधायकों की संख्या जो है 10 हो चुकी है क्रॉस वोटिंग करने वालों में, और दूसरी तरफ अभी 2 विधायक ऐसे हैं जिनका नाम खुलना बाकी है। पहले नंबर पर पूजा पाल और दूसरे पर महाराजी देवी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो महिला उत्पीड़न के मामले में महिला के गंभीर आरोपों में जो है जेल काट रहे हैं, और सूत्रों का यह भी कहना है कि महाराजी देवी की भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं से डील तय हो चुकी है। और अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ तो लालच में गए हैं, कुछ जो है कानूनी दांव से बचने के लिए, और कुछ ने बीजेपी का दामन इसलिए थामा है कि वह कानूनी दांव पेश से बच जाएं। और अब भी जो है यह सूत्रों का दावा है कि करीब 12 से अधिक विधायक जो है बीजेपी के लिए वोटिंग करेंगे, और जो तिलिस्म है, जो किला है सपा का, उसे ढहा देंगे। और यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी ने वार किया है, एक तीर से कई निशाने हुए हैं। बता दूं कि जिस तरह से जो है मनोज पांडे को लेकर भी कहा गया था कि इनकी डील तय हो चुकी है, कहीं ना कहीं मंत्री बनाने को लेकर मनोज पांडे को आश्वासन मिला है, वहीं दूसरी तरफ राजा भैया भी फुल फॉर्म में आ गए हैं और वो बैटिंग करने में जुट गए हैं, और जिसका फायदा भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि जो 5 विधायक सीएम योगी से मिले हैं उसका श्रेय कहीं ना कहीं जो है राजा भैया को जाता है। राजा भैया ही के ही संपर्क के 5 विधायक जो है मौजूद थे, संपर्क में थे, और सभी की वोटिंग भी यह कहा जा सकता है कि सभी की वोटिंग भी राजा भैया ने बीजेपी के पक्ष में करवा दी है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ और समीकरण का जो गेम लखनऊ में चल रहा था, उसको लेकर तस्वीर अब लगभग साफ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बदायूं विधायक ने वोटिंग कर दी है, बीजेपी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि ये संख्या, ये लिस्ट अभी लंबी है। इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मूव पर क्या कुछ कहा है।
हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा जीतने के लिए, उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।